मुरादाबाद के शाही अंदाज में की गई शादी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ लोग बारात को निकालने के लिए थाना मुगलपुरा क्षेत्र स्थित जामा मस्जिद के पास लगाए गए बैरियर को काटते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। इस वीडियो का खास पहलू यह है कि इसमें पुलिस चौकी बारसी नगर साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि ये बैरियर पुलिस द्वारा बड़े वाहनों की आवाजाही रोकने के लिए लगवाया गया था, लेकिन दो दिन पूर्व निकली बारात ने गैस कटर से इसे धराशाही कर दिया और मुगलपुरा पुलिस सिर्फ देखती ही रह गई। घोड़े पर होकर सवार चला गया दूल्हा यार जी, अक्सर शादियों में इसी गाने से बारात की शुरुआत वर्षों से होती चली आई है, लेकिन मुरादाबाद में दूल्हा और बारात है पर घोड़ी नहीं है, बल्कि दूल्हा हाथी पर सवार होकर अपनी बारात को लेकर निकला है और बाराती ऊंट और घोड़ों के साथ चल रहे थे। मुरादाबाद की ये अनोखी शादी थाना गल शहीद के अंतर्गत आने वाले इंदिरा चौक इलाके से निकली और जामा मस्जिद की तरफ चलती चली गई। हालांकि पूरी सड़क बारातियों ने अपने कब्जे में कर रखी थी और हाथी पर दूल्हे के साथ साथ उसके कुछ दोस्त डांस करते हुए कैमरे में कैद हुए हैं। अब भला इन्हें कौन समझाए ये जानवर है, डीजे की आवाज़ से गुस्से में आ गया तो सबको अपनी ताकत का एहसास कराने से पीछे नहीं हटेगा। इस बारात का एक रंग और नजर आया है, इसमें शामिल घोड़ों के बीच सड़क बारातियों के बीच डीजे पर तेज आवाज में बज रहे फिल्मी गानों की धुनों पर नचाया जा रहा है और डीजे रात 10 बजे के बाद धड़ल्ले से गल शहीद पुलिस की नाक के नीचे चलता रहा और वो इससे अनजान बनी रही और ये बारात सारे नियम कायदों को हाथी के पाँव के नीचे कुचलते हुए आगे बढ़ गई। अब इस शाही अंदाज की बारात के कुछ और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। ये वीडियो थाना मुगलपुरा इलाके की बारसी नगर पुलिस चौकी के बाहर के बताए जा रहे हैं, क्योंकि इसमें पुलिस चौकी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। इस शाही बारात को निकालने के लिए बारातियों ने वहां पर लगे पुलिस बैरियर को ही गैस कटर से काट डाला और उसके बाद ये बारात पास हुई, क्योंकि इन वीडियो में पुलिस चौकी नजर आ रही है, इसलिए बैरियर काटने के मामले में पुलिस की भूमिका भी संदिग्ध नजर आ रही है।